और दोस्तों क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू क्विक सेटअप योर फोन, यानी कि इस फोन को खरीदने के बाद या रिसेट करके क्विक सेटअप कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले पावर ऑन दबा के फोन को बूट करना होगा। डिवाइस ऑन होते ही MIUI 14 का लोगो देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ग्रेटर देन साइन पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। चूज लैंग्वेज, इस फोन को किस भाषा में आप यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी से लेकर बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज दी गई है, यहाँ से अपना भाषा चूज कीजिए। नेक्स्ट इंक्रीज टेक्स्ट साइज पे टैप करके फोन साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चूज योर रीजन, अब अपना कंट्री सिलेक्ट करिए। टर्म्स एंड कंडीशन, फोन इस्तेमाल करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होता है, यहाँ पे टिक लगा के कंटिन्यू करना है। इंसर्ट सिम कार्ड, अब इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करना होगा, चाहे तो फोन सेटअप कंप्लीट करके भी सिम डाल सकते हैं। कनेक्ट टू नेटवर्क, अगर आपके घर में वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है तो उस वाईफाई नेटवर्क के साथ अपना डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गूगल सर्विस का प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑफ करके सेटिंग्स एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन लॉक सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। बेसिक सेटिंग्स, इसमें सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा, पर्सनलाइज एड्स एंड यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को डिजेबल कर दीजिए, नहीं तो हमारे फ़ोन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस हिसाब से एड्स आएगा। एग्जाम्पल, कौन सा ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस टाइप का एड्स दिखाएगा, तो सिंपली इसे डिजेबल कर दीजिए। सेटअप योर लॉक स्क्रीन, हर बार स्क्रीन अनलॉक करने से एक नया नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। सिलेक्ट डिफॉल्ट लॉन्चर, लास्ट टाइम में आपसे पूछा जाएगा इनमें से किसको आप डिफॉल्ट लॉन्चर के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो मैं ऐप ड्रॉअर को चुन लेता हूँ, चाहे तो आप क्लासिक भी रख सकते हैं। सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक, आप इस पर टैप करते ही सीधा होम पेज में चले जाएंगे। दोस्तों फोन अभी पूरी तरह से सेटअप नहीं हुआ है, इसमें आप सिम कार्ड इंसर्ट कीजिए। सिम कार्ड में नेटवर्क आने के बाद नोटिफिकेशन बार पे एंड्रॉयड सेटअप लिखा एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इस पे टैप करिए। प्रिपेयरिंग फॉर सेटअप, अब यहाँ स्टार्ट कीजिए। लेट्स कॉपी योर डेटा, ओल्ड डिवाइस से इस न्यू डिवाइस में डेटा कॉपी कर सकते हैं, फिलहाल हम कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो यहाँ जीमेल और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिए, या तो स्किप कर सकते हैं। सेट स्क्रीन लॉक, अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन लॉक सेट करना होता है, यहाँ पे पैटर्न, पिन और पासवर्ड लॉक ऐड कर सकते हो। एनीथिंग एल्स, यहाँ एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस और वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फिनिश कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन बार में कोई ऐप अपडेट पेंडिंग रहते हैं तो उसको भी इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों हमारा फ़ोन लगभग 90% सेटअप हो चुका है। हमारे फ़ोन में कई एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल होते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं है। इन सभी ऐप को अनइंस्टॉल करने से फ़ोन की मेमोरी खाली हो जाएगी और बेहतर बैटरी बैकअप मिलेगा। आप सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद ऐप्स, नेक्स्ट मैनेज ऐप्स, यह आपको सभी इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन का लिस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अनइंस्टॉल पे टैप करिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन छोड़ के बाकी सब ऐप्स सिलेक्ट कीजिए। देखिए लगभग 1.5 GB इंटरनल मेमोरी फ्री हो जाएगा, अब अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों हमारा डिवाइस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरीके से अब अपना डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।